और जन औषधि दिवस 2023 के मौके पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने नई दिल्ली के पटपड़गंज में जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जन औषधि केंद्र के लाभार्थियों से मिले और उनके अनुभवों को जाना। कार्यक्रम का मकसद जन औषधि केंद्रों के बारे में लोगों को जागरूक करना था। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा कि आज देश का हर नागरिक सस्ती दरों पर गुणवत्ताशाली जेनरिक दवाएं ले सकता है। मुरुगन ने कहा कि माताओं और बहनों को एक रुपए में सैनिटरी पैड भी केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है ताकि वे किसी भी किस्म के संक्रमणों से बच सकें और स्वस्थ रहें। एवरी फैमिली दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। दिस क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन नॉट ओनली द क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन इट इज इन कास्ट वाइज ऑल्सो इफ सम मेडिसिन इज 50% less than of this general, some medicines 80-90% of less than compared than market it is available in the Janaushadhi Kendra. Apart from that, our Prime Minister wish that our sisters and our mothers, our beti, uska sabko hygienic sanitary pad milna. Iske liye ek rupiya ke ek sanitary pad milne to hamara desh mein ya hamara Janaushadhi Kendra mein milte and surgical goods bhi mil rahe there. And almost 200-500 products is our Saudi mein mil rahe.